हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम नैना। हमने जो आज मेकअप किया है वो आप किसी भी त्योहार फेस्टिवल पे मेकअप ये कर सकते हैं। इंडियन लुक है। किसी भी ओकेशन पे ये वाला मेकअप आप कर सकते हैं। हमने इसमें हेयर स्टाइल की है, जूड़ा बनाया है, आगे से पफ बनाया है। हमारे जो बाल हैं वो छोटे हैं, फिर भी हमने ट्राई किया है, बड़ी मुश्किल से बना है पफ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आता है तो लाइक प्लीज़ करें। और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले CTM कर लिया है। अब हम लगाएंगे सबसे पहले प्राइमर। तो हम प्राइमर लगा रहे हैं ऑरी फ्लेम का, द वन का। उसके बाद हम लगाएंगे इल्यूमिनेटर। ठीक है, तो इल्यूमिनेटर को हम पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। देन इसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर। ये फॉरएवर 52 का कंसीलर है, तो हम इसे आईज पे लगा रहे हैं। तो इसे अच्छे से पूरी आईज पे फिंगर की हेल्प से लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लूज पाउडर। ये जो है मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर है। आप किसी भी लाइट कलर का आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं। ये है PAC का आईब्रो डिफाइनर, तो हम उसकी हेल्प से आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कंसीलर, वही कंसीलर को फ्लैट ब्रश की हेल्प से आईब्रो के नीचे जो है लगाएंगे, ताकि अपनी एकदम शार्प लाइन दिखे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम फ्लैट ब्रश से लगाएंगे। अब हम ऊपर भी लगाएंगे थोड़ा सा कंसीलर। आप लाइट कलर का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम है ना आई शेडो लगाएंगे। तो उससे पहले हम लगा रहे हैं टेप। आप ट्रांसपेरेंट टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टेप लगा लिया है। अब हम जो है एले गर्ल का जो आई शेडो पैलेट है उसका यूज़ कर रहे हैं, उसमें से वाला शेड यूज़ करेंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन कलर हम लगा रहे हैं इसे, तो इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन हम जैकलिन हील पैलेट में से ये वाला शेड यूज़ कर रहे हैं। तो इसे पहले इनर कॉर्नर पे लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको पूरी आईज पे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसे भी जितना ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देन अब हम ये वाला कलर यूज़ कर रहे हैं जैकलिन हील पैलेट में से ही। तो इसे भी पहले हम आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे, उसके बाद मिडिल तक उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम मेकअप रेवोल्यूशन का रॉक्सी पैलेट में से ये, देन उसके बाद ये वाला शेड लगाएंगे। ये ग्लिटरी है। ठीक है, तो ये हम पहले आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे और आई बॉल तक लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से। अब एक फ्लैट ब्रश से हम थोड़ा सा इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, दोनों आईज पे हम फ्लैट ब्रश से शेप दे रहे हैं। देन अब हम ब्रश से ही वो जो रेवोल्यूशन में से सेकंड वाला कलर था, वो वाला शिमर वाला, वो वाला यूज़ करेंगे। ब्रश से हमने शेप दिया, अब फिंगर से हम उसे अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो ये दोनों आईज में हमने लगा लिया है। अब हम लगा रहे हैं आईलाइनर। ये जो है हम ये क्राइलॉन का आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं, केक आईलाइनर।
आप कोई सा भी जेल आईलाइनर या कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड आईलाइनर। तो हम ये लगा रहे हैं केक आईलाइनर, तो आपको जैसा लगाना हो, थिक या थिन जैसा भी आपको लगाना हो आप लगा सकते हैं। हम फेक आईलैशेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम लगाएंगे इसके बाद फाउंडेशन। ये लगा रहे हैं हम मिलानी का फाउंडेशन प्लस कंसीलर, ट्विन वन है। तो इसे पूरे फेस पे हम ब्रश की हेल्प से लगा रहे हैं। ये जो हमने ब्रश यूज़ करा है ये PSC का ब्रश है, तो इससे हम पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है। हम जो फाउंडेशन है ईयर और नेक पे भी लगाएंगे, ताकि फेस और नेक और ईयर अलग अलग ना दिखे। आप जब भी मेकअप करें तो फेस के साथ ईयर पे और नेक पे भी फाउंडेशन लगाएं, ठीक है। तो इसे इस तरीके से पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन लगा लेंगे। अब इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे फेस पे हम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। अब हम मेबलिन का जो है कंसीलर यूज़ करेंगे हाईलाइट करने के लिए, लाइट कलर का। हम यूज़ कर रहे हैं 20 नंबर, फोरहेड पे, आईज़ के नीचे, इस तरीके से हम लगाएंगे। अब हम लगाएंगे ये है मेकअप रेवोल्यूशन का जो है कॉन्टोरिंग करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है, मेकअप रेवोल्यूशन का है ये स्टिक। तो इसे नोज पे लगाया है, इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। हम यूज़ कर रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर का, तो उससे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और नोज पे है हम अपने फिंगर से अच्छे से उसे फैला देंगे, ठीक है, ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से। अब हम ये लगा रहे हैं PSC का हाई डेफिनेशन पाउडर जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया था लाइट वाला, वहाँ वहाँ सब जगह हम ये वाला पाउडर लगाएंगे। और आईज़ के नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि हमें उसके नीचे हमको आई शेडो का भी यूज़ करना है। तो ये हम आई शेडो लगा रहे हैं, वो जो मेकअप रेवोल्यूशन का रॉक्सी पैलेट में से जो हमने आपको दो कलर दिखाए थे उसी का यूज़ कर रहे हैं हम। तो पहले हम ये कलर अच्छे से लगा देंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब इनर कॉर्नर पे हम वो शिमरी आई शेडो लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ठीक, अब हम लगा रहे हैं आई पेंसिल, ब्लू कलर की आई पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। ये जो है नायका की आई पेंसिल है, ठीक है। अब ये है मस्कारा, ये है ओरिफ्लेम का मस्कारा है, तो इसे भी हम अच्छे से आईलैशेस पे लगा लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। अब हम ये लगा रहे हैं, अब हम कॉन्टोर पाउडर लगा रहे हैं, तो इसे ब्रश से अच्छे से लगा लेंगे इस तरीके से। अब BND का ब्लश लगा रहे हैं हम, पिंक कलर का, एकदम लाइट पिंक है, तो उसे अच्छे से चिकबोन पे लगा लेंगे। अब हम लगा रहे हैं हाइलाइटर, ये है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर है, हाइलाइटर पैलेट है। तो इसे आईब्रो, ब्रा बोन पे, ठीक है, नोज पे, चिकबोन पे, सब जगह हम हाईलाइट करेंगे। तो ये लगा दिया हमने इस तरीके से। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, तो ये हमने लगाई है मेकअप रेवोल्यूशन की लिपस्टिक, देन उसके बाद हमने यूज़ किया PSC की लिपस्टिक। तो उसका थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, मिस हो गया था, इसलिए पूरी लगाते हुए नहीं बता पाए। अब हम लगा रहे हैं NYX का मेकअप फिक्सर, तो ये पूरे फेस पे लगाने के बाद हमारा फाइनल लुक इस तरीके से है।